50,000 में बिके 6 साल के बच्चों को 8 महीने बाद पुलिस ने कराया रेस्क्यू। जानिए कहां है उसके माँ बाप। समस्तीपुर के पटोरी में एक माँ अपने 6 वर्ष के बेटे को बेचकर फरार हो गई। दादी और पिता की शिकायत के बाद पटोरी पुलिस ने लगभग 8 महीने बाद बच्चों को रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन समस्तीपुर को सौंप दिया है। रविवार को न्यायालय के आदेश पर बच्चे को प्रयास बाल गृह में रखा गया है। बच्चे की मां का पता नहीं चल रहा है। फिलहाल बच्चा प्रयास बाल गृह में रह रही है। पटोरी थाना क्षेत्र के चकसाहो पंचायत स्थित चांदपुरा फतेहपुर निवासी गेना महतो की पत्नी चिंता देवी ने पटोरी पुलिस से 20 सितंबर 2021 को मानव व्यापार के लिए बेचे गए अपने पोते को मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। कार्रवाई नहीं होने पर फिर पिता इंद्रदेव महतो ने 20 जनवरी 2022 को पटोरी थाने में आवेदन किया। चिंता देवी ने आवेदन में बताया था कि उनकी पुत्र वधू सरिता देवी 28 मार्च 2021 से ही अपने बेटे के साथ पटोरी बाजार में गणेश प्रसाद गुप्ता के मकान में भाड़े पर रह रही थी। ससुराल से पटोरी आने के बाद वह फिर वापस नहीं गई। इस बीच सरिता गलत आशय से गणेश कुमार गुप्ता के हाथों बेटे को बेच किसी के साथ फरार हो गई। विदित हो कि सरिता पहले भी अपनी एक नाबालिग बेटी का वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग में किसी व्यक्ति के हाथों बेच चुकी है। पुलिस के अनुसार गणेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सरिता अपने पुत्र के साथ मार्च 2021 में उनके घर किराए पर रहने के लिए आई थी। 27 मार्च 2021 को सरिता उनसे 50,000 रुपये नकद लेकर बेटे को उनसे पास से छुड़ा ले गई थी।